not on myself, it is on 1983 team. The movie is 1983. And we have the best actor in this world, so I think they can do justice. I was born into a time where cricket was already the biggest thing. Cricket was already the number one sport in our country, the biggest thing. And I never knew the backstory. तो जब कबीर खान साहब आए थे और उन्होंने बताया 83 पे फिल्म बना रहे, मैंने कहा फाइनली फाइनली द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स स्टोरी इज कमिंग टू स्क्रीन. आई मीन इट्स आवर फर्स्ट वर्ल्ड कप विन एंड दैट्स व्हाई माय जनरेशन ऑलवेज थॉट दैट क्रिकेट इज ऑलवेज बीन बिग. इट्स ऑलवेज हाँ मतलब इट वॉज नॉट इट केम एज अ ह्यूज सरप्राइज टू मी व्हेन कबीर साहब फाइनली स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी. मतलब ऐसे हुआ था एंड माय रिएक्शन लाइक नहीं 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 क्या बोल रहा है यार ऐसे हुआ था ऐसे. मतलब इट वॉज सो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू लर्न द ऑड्स अगेंस्ट विच दीज जेंटलमैन हैड टू फाइट एंड राइज अगेंस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स ट्रायम्फ. एंड मोर देन अ ग्रेट स्पोर्ट्स स्टोरी मोर देन अ ग्रेट क्रिकेट स्टोरी इट्स अ ग्रेट ह्यूमन स्टोरी. पहला जो ध्यान आया कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं हम लोग. क्यों? वहाँ ब्लॉन्ड्स होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं उनकी, यू नो जो माइंड सेट इंडियन का होता है. कपिल देव सेड व्हेन वी कैन बीट इंडिया वंस व्हाई कांट वी बीट वंस मोर. वी थॉट ए पागल है हमारा कैप्टन, क्या क्या पागल हो गया रे. Buggers become a fool, yeah. And Roger, myself, Kiri, Kirti, all of us are smoking. We thought this fellow's become mad that day, right? हमने जब पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज का, बीबीसी रिकॉर्डिंग करती है, मैच दिखाती लाइव, तो उन्होंने कह दिया ये तो ऐसे होगा जैसे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ है. इंडिया को मानते नहीं थे कि चलो ये कहीं रिकॉर्डिंग और कर लेते. उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको शायद जानकर सरप्राइज़ होगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है पहले मैच की. वो जब झटका लगा ना 880 वोल्ट का पहले मैच में जब भारत जीता है, तो फिर वो बीबीसी भी हिला कि अब हमें इनको कवर करना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ी हुई है.